अगर आप अर्थ तक देखते हैं तो उसके आने वाले पूरे 24 घंटे रह सकते हैं। सबसे पहले लाइक करके जो भी कॉमेंट बॉक्स में ओम साई राम लिखेगा सीधा। Welcome back to channel. Hope you are doing great. चलिए आज की कहानी, आज का व्लॉग, आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अभी बज रहा है सुबह का 10:29। इसे पहले वाला व्लॉग भी एडिट नहीं किया। अभी नहा धो के तैयार है। हाँ, बाल मिर्ची लग रहा है, बिकट छत पे घूम रहे हैं, हवा चल रहा है तो बाल बड़ा होने के कारण ऐसा लगता है। सो आज की स्टोरी सिंपल है, तूफान का मौसम का आनंद ले रहे हैं। जैसा रेड अलर्ट हुआ था वैसा ही कुछ इफेक्ट दिख रहा है। गलबर है और फिलहाल बादल बहुत तेज़ी से पार हो रहा है, तो इसका बोले तो एक टाइम लैप्स बनता है ना। तो यस, यू आर गोइंग टू सी अ टाइम लैप्स। इसके बाद देखते हैं और क्या क्या सिनेमैटिक्स मैं बना सकता हूँ, बिकॉज वेट, एक पॉइंट बार पता के बैठा है, शायद नाइट एंगल है, पता नहीं, डोंट कोट मी ऑन दैट, बट मैं उसका शॉट लेना चाहता हूँ, बकबक कम शॉट लेते हैं। ठीक है, लहराता हुआ उड़ रहा है, वो लग रहा है कि वो उड़ नहीं रहा है, वो बस बहक गया है। उतना खूबसूरती से नहीं आ पाए वो, बैठे जैसा भी आया मस्त है। अब बैठते क्या, अब मोबाइल सेटअप करते हैं। नगर निगम का बिल्डिंग बड़ा लाजवाब लग रहा है, तो उस एंगल में बैठ के हम कुछ शॉट लेने वाले हैं, मस्त टाइम लैप्स, वो आपको मस्त मज़ा आएगा। तो वो शॉट हम इस छत से नहीं ले सकते, बैकग्राउंड छत पे, यहाँ से नगर निगम का बड़ा मस्त शॉट आएगा, तो टाइम लैप्स सब सेटअप करते हैं। बहुत गंदा डॉगी हो गया तुम, चलो चलो। तो एक छोटा सा टाइम लैप्स तो लिए, बट पता नहीं मेरे मन मुताबिक नहीं आया, हम जैसा सोचे थे वैसा नहीं आया, कुछ ज़्यादा ही वाइड पर्सपेक्टिव आ गया। तो खैर कोई बात नहीं, हम देखेंगे क्रॉप करके अगर उसको और सुंदर बना पाए तो बनाएंगे। सैम का भी खाना आ चुका है, बेचारा खा रहा है, सुबह से वो परेशान है इस मौसम से, बाहर जाने मिल नहीं रहा है, पूरा बिजी है। हाँ, तो अभी बज रहा भाई 2:18:19 कुछ हो रहा है, एग्जैक्ट 2:21 हो गया, और अभी ब्लॉग डाले हैं जस्ट थोड़े पहले, मगर 2:02 या 03 था तब गया होगा ब्लॉग। तो हाँ, लेट हो गया, हम सोचे थे 1 बजे तक चला जाएगा, बट क्या कर सकते, लैपटॉप हल्का स्लो एक्सपोर्ट करता है। तो किसको कहते हैं अखंड ब्लॉगर, सर तूफान आया है झारखंड में, देवघर में रेड अलर्ट जारी कर दिया इंडिया ने टीम, और देखिए वो निछल्ला दोस्त को बुला के निकल गया घूमने। मौसम विभाग वालों ने हमें डिप्टी दिया है कि देवघर भर में आप घूम करके हमें मौसम का हाल बताइए, तो हम और आंसू निकले आज मौसम का हाल बताने के लिए। मौसम का हाल सुबह से ही बहुत बेहाल हो चुका है, इतना बेहाल कि हम भी बेहाल हो गए हैं, और इस बेहाली में ये मिनट मिनट में बारिश होता है, ऐसा लगता है कि बीच बीच में भगवान जी को भी वहाँ भी कोरोना लगता फैल गया, बीच बीच में आ रहे हैं हाथ धो रहे हैं बार बार, जो पानी बच जाता है बेसिन से वो नीचे गिर रहा है, उसी का इफेक्ट है, मेरे को तो यही लग रहा है। एंड ये हमारे भारत का पब्लिक स्विमिंग पूल, जिसमें पानी सीजन सीजन भरता है, और आप चाहो तो इसमें तैरने सीख सकते हैं, डूबने का कोई रिस्क नहीं।
शंकर क्या मन किया मंदिर पहुंच गए और एकदम इतना सही समय पे पहुंचे कि आरती हो रहा था, आरती में बैठे आरती में पार्टिसिपेट किए, इतना पॉजिटिव फील हो रहा था बया ने कहा राइट। थोड़ा देर हुआ ही है कि बारिश आ गया तो थोड़ा देर यहाँ रुके हैं स्टेट में। ओ शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। हो रहा है 6:50, अभी बारिश छूटा है, आंसू आ रहा और स्कूटी लेके चल ले, अब चलते हैं घर। बहुत काफ़ी देर रुका दिया क्या, 20 मिनट लगभग। अबे होटल है खिलाओ कुछ, विद्या होटल यहाँ विद्या मिलेगा काहे का। चलिए हम घूमते मीना बाजार, बोले थे मीना बाजार तुम नहीं पूछता क्या? हाँ सर, ये गली में गाड़ी चलाने का अलग ही मजा है, इधर से पानी उधर से पानी। देख रहा था मैं उतरा, इसीलिए आप मजा भी आएगा तुमको, जो करना है वो कर। पानी आ गया फिर से जोड़ना, मजा आ गया रे, मजा मजा। हमको पता नहीं आज हम क्या ब्लॉग बनाए बेटा, ये पानी आ गया मेरे घर के पास, रुक जाना। सही हुआ हम लोग सही टाइम पे घर पहुंच गए, वहां ज्यादा देर रुके नहीं, वरना तो अभी अटक जाते और अभी रुकना पड़ जाता लंबा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू एंजॉयड दिस शॉर्ट एंड शॉर्ट वीडियो, होप यू एंजॉयड दिस ब्लॉग, मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वन, एंड घर पे रहो, सेफ रहो।